गुड मॉर्निंग फ्रेंड बेटा, चलो कल हम लोगों ने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट को देख लिया था, लाइफ स्पैन को देखा था, ओके, और उसके बाद टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन देखे थे, जैसे सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड देन हमने डिस्कस किया था मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां पर आज हम हेडिंग देंगे मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब हम बात कर रहे हैं मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इसमें हम लोगों ने कल डिस्कस किया था मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा कौन कौन सा, तो जैसे बाइनरी फिशन, बर्डिंग, फॉर्मुलेशन एंड फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ओके, तो ये सारी चीजें जो है, यानी ये सब डिस्कस हम लोगों को करना है बाइनरी फिशन, बर्डिंग, फॉर्मुलेशन। अब सबसे पहले हम लोग आते हैं फिशन, है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल फिजन। देखो फिजन क्या होते हैं कि जो पैरेंट बॉडी है, जो भी पैरेंट ऑर्गेनिज्म है या पैरेंट बॉडी है, वो डिवाइड करके दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल में कन्वर्ट होता है। ओके, पैरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू टू और मोर टू और मोर इंडिविजुअल। ओके, अब इसीलिए फिजन को दो तरह से बांटते हैं। ये फिजन एक होता है आपका, इसी फिजन में आता है बाइनरी फिजन जो कि मेन है। बाय मतलब होता है टू, नरी मतलब इक्वल डिवीजन, फिजन मतलब टूटना कभी, यानी टू इक्वल हाफ में पैरेंट बॉडी डिवाइडेड टू टू इक्वल हाफ ऑफ न्यू इंडिविजुअल। तो जो पैरेंट बॉडी होगा दो, वो दो न्यू इंडिविजुअल के रूप में टूट करके बनेगा, वो कहलाएगा बाइनरी फिजन। देखिए यहां पर पैरेंट बॉडी डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ ऑफ डॉटर सेल ऑफ इंडिविजुअल। तो दो नए इंडिविजुअल के रूप में या पैरेंट बॉडी के रूप में डिवाइड करेगा और ये वन टू इक्वल हाफ में होगा। इसका एग्जांपल जैसे ये खास करके हमें देखने को मिलता है किसमें, ये हमें फंगाई में देखने को मिलेगा, बैक्टीरिया में देखने को मिलेगा, है ना। तो ये सब चीजें हमें देखने को मिल जाता है या कुछ प्लांट में एल्गी वगैरह में देखने को मिलता है, लेकिन खास करके फंगाई और बैक्टीरिया में हमें ज्यादा देखने को मिलता है। बाइनरी फिजन में अगर बैक्टीरिया है तो वो ए माइटोसिस के थ्रू होता है, और अगर ईस्ट है या अमीबा है तो उसमें हमें या कैसे तो माइटोटिक डिवीजन से देखने को मिलता है। इसलिए इसका एग्जांपल बैक्टीरिया, फंगाई, अमीबा, ये सब होते हैं। अब यहाँ पर देखो बाइनरी फिजन वगैरह ये सब आपको बैक्टीरिया में भी आया है, फंगाई में भी कराया है, ओके, फिर आपका कुछ प्रोटिस्टा है वहां भी कराया है, वही सब बातें जो है यहाँ पर फिर से। इसके बाद जैसे यहाँ पर फॉर्मुलेशन है, तो
स्कूल का फॉर्मेशन कैसे होता है, क्या है, वो सारा चीज आपको एलगी में मैंने भी बताया है। वही सारी चीजें जो है वो फिर से रिपीट होकर यहाँ पर है, वही सारी बातें। तो चूंकि ये सब जो है बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन में वहां पर आया होगा और ये रिप्रोडक्शन है, तो रिप्रोडक्शन के टाइप में यहाँ पर आ रहा है, बस अंतर इतना है। तो लिखेंगे यहाँ पर बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन अकर्स थ्रू ए माइटोसिस इन बैक्टीरिया। अब ए माइटोसिस क्या है भाई? तो माइटोसिस हमने कल ही बोला था कि सेल डिवीजन एक ऐसा लेशन है जो आपको हर जगह आता है। तो सेल डिवीजन के लेशन में आपको ये आया होगा, ठीक है। तो बैक्टीरिया में ए माइटोसिस के थ्रू, ए माइटोसिस का मतलब होता है अनसीक्वेंशियल डिवीजन, यानी काम सीक्वेंस में नहीं होगा, यानी प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है। तो ये काफी फास्ट होता है क्योंकि जब काम आप सीक्वेंस में करते हैं तो उसमें टाइम टेकन ज्यादा होता है। अब जब काम आप अनसीक्वेंसली करते हैं, कोई काम कभी भी कर देना, उसमें टाइम कम लगेगा। तो किसी भी काम को बेटर वे से करने के लिए, सही तरीके से करने में टाइम टेकन ज्यादा होता है, लेकिन वो बेहतर होता है। आपकी स्टडी एक मैनर वे में होगी, पहले एक अच्छे से नोट्स बनाएंगे, उसका रिवीजन करेंगे, एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे, दिस इज द गुड वे, ये एक सही मैनर होगा। इसमें आपका टाइम लगेगा और कभी आपने सोचा चलो ठीक है, कभी कोई बुक लिया, थोड़ा सा रिवीजन किया, छोड़ दिया, उस बुक में क्या रिवीजन किया, अंडरलाइन तक नहीं किया, क्या पढ़ा उसका, कुछ नोट डाउन नहीं किया, दिस इज नॉट द बेटर वे। तो उसमें टाइम तो कम लगेगा लेकिन वो कुछ फायदेमंद नहीं होगा। तो उसी तरह यहाँ पर आइए, बाइनरी फिजन अकर्स थ्रू ए माइटोसिस इन बैक्टीरिया एंड एंड बाय माइटोसिस इन एंड बाय माइटोसिस इन अमीबा और फंगाई। इन सब या अमीबा और फंगाई में जो है वो माइटोसिस के थ्रू होता है, माइटोटिक डिवीजन, यानी जो एक सेल होगा। और क्यों ऐसा होता है अमीबा या फंगाई में माइटोसिस के थ्रू, क्वेश्चन को समझ में आ रही है बात, बैक्टीरिया में क्यों माइटोसिस और फंगाई और अमीबा में क्यों माइटोसिस के थ्रू अमीबा फंगाई में और माइटोसिस के थ्रू बैक्टीरिया में क्यों? क्योंकि बेटा बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस नहीं है, और जब बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस नहीं है यानी इसका जेनेटिक मटेरियल नेकेड है, तो यहाँ पर ये जो है डिवाइड करके दो इंडिविजुअल के रूप में बटेगा, दो इंडिविजुअल के रूप में, यानी कि यह दो बैक्टीरिया बन गए और दोनों के अंदर इस तरह से जेनेटिक मटेरियल आ गए, ठीक। ये हो गया बैक्टीरिया, ओके। यहां पर ए माइटोसिस, जबकि क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर क्या है, न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस नहीं है, नॉट टू न्यूक्लियस। और जब भी हम अगर बात करते हैं बेटा, ये मान लीजिए कि कोई बैक्टीरिया के साथ बाद में ये ईस्ट है या अमीबा का सेल है, ओके मान लीजिए, तो इसके अंदर क्या होगा, एक ट्रू न्यूक्लियस होगा और इस न्यूक्लियस के अंदर में जेनेटिक मटेरियल होगा, जिसके वजह से ये क्या करेगा, पहले यह सेल पहले दो न्यूक्लियस को बनाएगा, हो गया, और तब ये डिवाइड करके दो इक्वल हाफ में यानी टू न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट होगा। अब दोनों में एक न्यूक्लियस आ गया, तो जब भी न्यूक्लियस का इस तरह से डिवीजन होकर के होगा तो ये हो जाएगा माइटोसिस, बाइनरी फिजन थ्रू माइटोसिस एंड बाइनरी फिजन थ्रू ए माइटोसिस। इसका एग्जांपल बैक्टीरिया और इसका एग्जांपल हो गया अमीबा
कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया। अब बाइनरी फ्यूजन जो है वो दो तीन तरह से होता है, सिंपल बाइनरी फ्यूजन, दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल, और तीसरा होता है ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। आइए देखते हैं उसको हम लोग। कौन कौन सा बाइनरी फ्यूजन है, तो तीन तरह के बाइनरी फ्यूजन को हम लोगों को लिखना है, सिंपल, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स, ये तीन तरह के। ओके, तो तीनों टाइप को हम लोगों को वन बाय वन करके चलेंगे। चलिए टाइप्स कर सकते हैं या मोड ऑफ बाइनरी फ्यूजन कर सकते हैं, सिंपल ज्यादा लॉन्ग नहीं जाने का आइए और टाइप्स कर दिए बाइनरी फ्यूजन का। और बाइनरी फ्यूजन का एक टाइप तो पढ़ना क्या है, सिंपल बाइनरी फ्यूजन। देखिए एक सेल डिवाइड हुआ है दो सेल, सिंपल बाइनरी फ्यूजन का मतलब हुआ कि जो प्लेन ऑफ डिवीजन है एक सिंपल एक्सिस से उसको दो सेल में डिवाइड करेगा, वही कहलाता है सिंपल बाइनरी फ्यूजन। क्या कह रहे हैं हम कि सिंपल जो डिवीजन है एक सिंपल एनी प्लेन से, तो कहते हैं प्लेन ऑफ डिवीजन, प्लेन ऑफ डिवीजन का मतलब सेल को डिवाइड करने वाला, तो प्लेन ऑफ डिवीजन पासेस थ्रू प्लेन ऑफ डिवीजन पासेस थ्रू एनी एक्सिस, प्लेन ऑफ डिवीजन passes through any axis called simple binary fission। तो simple binary fission यानी कि जब divide करने वाला जो plane है किसी भी axis से उसको दो part में divide करते उसी को कहते हैं हम लोग simple binary fission, जिसका example है amoeba। ओके, यानी ये समझ लीजिए अमीबा का एक स्ट्रक्चर हम देख लेंगे। और इसमें एक और ये दो न्यूक्लियस बना और ये दो अमीबा में बट गया, ये हो गया आपका सिंपल। उसके बाद में है सेकेंड लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन में कहते हैं प्लेन ऑफ डिवीजन पासेस अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, पासेस अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे। एक होता है ट्रांसवर्स ऐसे और लॉन्गिट्यूडनल शायद ऐसे होगा, तो लॉन्गिट्यूडनली किसी भी सेल को दो प्लेन में अगर डिवाइड करते हैं तो वही कहलाता है लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन या लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। इसका एग्जांपल है यूलिना, ठीक है। उसके बाद सी भी आइए ट्रांस वर्स बाइनरी फ्यूजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन में
तो जो प्लेन ऑफ डिवीजन, प्लेन ऑफ डिवीजन, प्लेन ऑफ डिवीजन, सॉरी माइक की थोड़ी सी प्लेन ऑफ डिवीजन पासेस अलोंग विथ पासेस अलोंग की ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स एक्सिस। जो ट्रांसवर्स एक्सिस से ये प्लेन ऑफ डिवीजन पास करेगा, ट्रांसवर्स यानी ये एक सेल होगा और उसको इस तरह से कट कर दिया तो वो हो गया ट्रांसवर्स सेक्शन में कट हो जाएगा लॉन्गिट्यूडिनली। ठीक है, हो सकता है शायद ट्रांसवर्स, हाँ ट्रांसवर्स में ऐसे कट करते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल में शायद ऐसे कट करते हैं। तो इसी वजह से तो एक सेल को दो पार्ट में ट्रांसवर्स सेक्शन से काट करके दो इंडिविजुअल में कन्वर्ट कर दिया, उसी को कहते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन का एग्जाम्पल है इस। तो आपको इससे एग्जाम्पल पूछ सकता है, बस वो थोड़ा ध्यान में रखिएगा और ज्यादा क्वेश्चन जरूरत नहीं है। तो यहाँ तक ये हो गया। अब बाइनरी फ्यूजन के बाद में, यानी बाइनरी फ्यूजन हुआ, अब बाइनरी फ्यूजन के बाद में देखिए नेक्स्ट जो है क्या लिखे थे हम लोग। बाइनरी फ्यूजन के बाद में शायद स्पोपुलेशन या फ्रेगमेंटेशन भी होगा, नहीं बडिंग। बाइनरी फ्यूजन के बाद में शायद बडिंग करते हैं, बॉडी टाइप देखा होगा, बॉडी भी कर लेते हैं। चलिए बाइनरी फ्यूजन के बाद में लिखेंगे बॉडी, ये सेकंड नंबर हो गया हमारा। बाइनरी फ्यूजन के बाद में बॉडी, बॉडी का मतलब जो पैरेंट बॉडी होता है एंड एक्स्ट्रा आउटग्रोथ, जो बॉडी का पार्ट है या पैरेंट इंडिविजुअल है उसके बॉडी में एक्स्ट्रा आउटग्रोथ हो गया और वो एक बर्ड का फॉर्मेशन कर दिया जो बाद में डिटैच होकर के न्यू इंडिविजुअल के रूप में कन्वर्ट हो गया, उसी को हम लोग कहते हैं बडिंग। समझ में आई बात, उसी को क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम लोग बडिंग। तो बडिंग वाले में आपको यही चीज है ध्यान देना है आपको बडिंग का। तो बडिंग का मतलब एक डाउटर निकलिया है प्रोड्यूस थ्रू न्यूक्लियाई प्रोड्यूस थ्रू डॉटर न्यूक्लियाई प्रोड्यूस थ्रू बॉडी में कार्योकाइनेसिस थ्रू कार्योकाइनेसिस एंड shift into words which are separate shift into words which are separate from parent body, and grow into new individuals. और grow करता है किसमें, नए individual के रूप। अब जैसे देखो इसका एग्जांपल है ईस्ट, सबसे कॉमन एग्जांपल ईस्ट में आता है, फंगाई में खास करके देखने को मिलता है बॉडी, समझे। अब देखो इसमें क्या होते हैं, तो ये जो पैरेंट बॉडी है और ये इसका एक बर्ड, ओके, और इस पैरेंट बॉडी का ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस हो गया। ठीक, अब ये क्या करेगा, ये न्यूक्लियस कार्योकाइनेसिस करेगा। न्यूक्लियस क्या करेगा, तो कार्योकाइनेसिस कर लेगा। कार्योकाइनेसिस
यानी एक से दो न्यूक्लियस बनने के प्रोसेस को कहते हैं हम लोग कैरियोकाइनेसिस। तो यहाँ पर ये न्यूक्लियस बना और ये दूसरा न्यूक्लियस हो गया और ये न्यूक्लियस इसमें शिफ्ट कर गया, अब इसमें आ जाएगा, इसमें आया तो अब ये न्यूक्लियस इसमें आ गया, तो ये जो एक्स्ट्रा बर्न है ये डिटैच हो जाएगा पैरेंट से। तो डिटैच अब इसमें इसका एक न्यूक्लियस इसमें रह गया और इसमें न्यूक्लियस आ गया, अब ये ग्रो करके नया इंडिविजुअल तैयार हो जाएगा, ये ग्रो करके फिर से अब ये भी ग्रो करके नया इंडिविजुअल के रूप में आ गया, हो गया। तो यही है बॉडी, यानी बर्ड्स के थ्रू न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होना, समझ के बात को। नेक्स्ट आइए स्पोरुलेशन, यानी स्पोर का फॉर्मेशन, स्पोरुलेशन यानी स्पोर के थ्रू कोई काम का होना, स्पोर के थ्रू किसी काम के होने को कहते हैं स्पोरुलेशन। ओके, तो अब आइए स्पोरुलेशन में क्या है भाई, स्पोरुलेशन का मतलब स्पोर क्या है, स्पोर सिंगल सेल का बना हुआ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जो फंगाई में या फिर प्लांट में देखने को मिलता है, प्लांट के एल्गी में। तो लिखेंगे स्पोर इज ए सिंगल सेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर विच आर फॉर्म फ्रॉम पैरेंट बॉडी। तो सबसे पहले तो ये तो समझ लें कि स्पोर एक सिंगल सेल का एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। अब बता देखो स्पोर occurs in किसमें मिलता है, occurs in इसमें, occurs in कहाँ कहाँ मिलेगा ये, तो form from parent body occurs in, तभी मैंने बोला था किसमें बेटा, तो kingdom of monera में, monera का मतलब fungi और sorry monera का मतलब fungi नहीं bacteria, लेकिन ये मिलता है fungi में और एल्गी। ये खास के ये दो जगह देखने को ज्यादा मिलता है। अब एस्पोरुलेशन में आप एक चीज का ध्यान रखो, जैसे एल्गी में मैंने बताया था क्लिमाटिनोनास वगैरह में, तो एस्पोरुलेशन दो तरह से होता है, जूएस्पोर, अल्पाइनोस्पोर, कोनिडिया, ऐसे ऐसे सब है वैरायटी, लेकिन हम लोग देखिए यहाँ पर सिर्फ दो चीज को देखते हैं। तो एस्पोरुलेशन दो तरह से, अगर टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले ए में आएंगे और जूएस्पोर में क्या होता है कि ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन फ्लैजिलेटेड मोटाइल स्पोर आर फॉर्म्स, तो ये जब फेवरेबल कंडीशन है तब की बात हो रही है, तो ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन फ्लैजिलेटेड मोटाई, फ्लैजिलेटेड मोटाई स्पोर आर फॉर्म ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, during favorable condition flagellated motile spore are formed, spore are formed
एल्गी, और एल्गी में भी कौन, तो जैसे के लिए माइक्रोमोनास, ओके। अब आएंगे जैसे फिर देखिए ओनिडिया, ये अनफेवरेबल कंडीशन में नॉन मोटाइल, अगर नॉन मोटाइल है इसका मतलब फ्लैजिला नहीं होगा वहां पर, इन अन फेवरेबल कंडीशन नॉन मोटाइल एस्कोर आर प्रोड्यूस, एस्कोर आर प्रोड्यूस, एग्जाम्पल फंगाई में पेनिसिलियम, कौन, तो पेनिसिलियम की ये बातें हैं, पेनिसिलियम जो है वो पेनिसिलियम में ऐसा एग्जाम्पल देखने को हमें मिल जाता है। तो ये है क्या, तो ये हो गया कोनिडिया का बात एस्कोपुलेशन में। नेक्स्ट आइए आप देखते हैं हम लोग फ्रेगमेंटेशन, नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन। देखो फिजन और फ्रेगमेंटेशन में एक डिफरेंस होता है, फिजन के मल्टीपल फिजन और बाइनरी फिजन, देखें मल्टीपल फिजन बहुत ज्यादा कुछ ये नहीं, बस समझिए दो से ज्यादा सेल अगर बटेगा तो मल्टीपल फिजन हो गए। फिजन और फ्रेगमेंटेशन में अंतर इतना है कि फिजन में सेल जो है माइटोसिस या ये माइटोसिस के थ्रू दो इक्वल पार्ट में सेपरेट हो गया, लेकिन फ्रेगमेंटेशन में ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, तेज हवा की वजह से या कोई स्टोन आकर के प्लांट बॉडी में टकराया या पानी की तेज धारा की वजह से, ठीक है, ये एक्सटर्नल कोई भी फैक्टर आकर के और प्लांट बॉडी को या पैरेंट बॉडी को दो से अधिक पार्ट में डिटैच कर दिया, तो उसको हम लोग कहते हैं फ्रेगमेंटेशन, यानी फ्रेगमेंट में बट जाना, यही कहलाता है क्या, तो ये बात कहलाता है फ्रेगमेंटेशन। यहां पर फिर लिखेंगे पैरेंट सेल स्प्लिट्स इनटू फ्रैगमेंट्स, यानी जो पैरेंट सेल है या पैरेंट बॉडी है क्या हो रहा है, एक से ज्यादा बॉडी में स्प्लिट कर जा रहा है, पैरेंट सेल स्प्लिट इनटू फ्रैगमेंट and produce new individual और एग्जाम्पल के रूप में जैसे देखिए and produce new individual एस्पायरोगायरा, उसके बाद एस्पायरोगायरा, फिर आपका हो गया हाइड्रा, ये सब एग्जांपल हैं इसके फ्रेगमेंटेशन, ओके। तो एस्पायरोगायरा, हाइड्रा या कुछ फंगाई भी रखते हैं उसको भी आप डाल सकते हैं, ले सकते हैं, चलिए किसी कर दिया, तो ये सब हो गया फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन, अब फ्रेगमेंटेशन के बाद में नेक्स्ट हम लोग को देखना है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और लास्ट टाइम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी प्लांट का मेनबुद्ध पार्ट, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक्चुअल में आप लोग मॉर्फोलॉजी में बहुत अच्छे से है, अच्छे से पढ़ा भी है आप लोगों ने, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक बार उसका रिवीजन के तौर पर डिस्कस करेंगे, ओके। अब आइए
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्रोपेगेशन। देखो प्लांट का जो सोमैटिक पार्ट है, दो किसी भी इंडिविजुअल में हम हैं या प्लांट है उसके दो पार्ट होते हैं, एक सोमैटिक पार्ट दूसरा जर्म पार्ट। ठीक है, यानी सोमैटिक सेल हमारे बॉडी का थिंग और दूसरा जर्मिनल सेल या सेक्स सेल उसे बोलते हैं। तो जो सोमैटिक पार्ट है प्लांट का, वह प्लांट के बॉडी से डिटैच होकर के या प्लांट के बॉडी में रहते हुए में न्यू प्लांट इंडिविजुअल के रूप में डेवलप कर जाए, उसी को हम लोग कहते हैं सोमैटिक प्रोपेगेशन। प्लांट का बॉडी का सोमैटिक पार्ट कौन सा पार्ट? तो प्लांट बॉडी का सोमैटिक पार्ट। सोमैटिक पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी डिटैच फ्रॉम मदर, डिटैच फ्रॉम सेल, प्रोड्यूस न्यू इंडिपेंडेंट प्लांट इंडिविजुअल और होता है, एरियल स्टेम से होता है। ठीक है,
तो अंडरग्राउंड रस्ते हैं, एरिया रस्ते हैं, ब्रांच रस्ते हैं, समझे? लीफ सब कुछ कॉमन है, लीफ के कुछ पार्ट से बैक्टीरिया वगैरह वो सब तो आपको हम एक एग्जांपल देंगे, आपको पता भी होगा, ऐसा कुछ ये नहीं है, ठीक है? तो एरियल या सब एरियल भी होता है, बल्बिल भी होता है, एरियल और ब्रांच के जगह पर सब एरियल भी होता है, एरियल और सब एरियल स्किन और बल्बिल वेजिटेटिव का ये पार्ट आर्टिफिशियल तीन तरह से हो तो एक होता है कटिंग, सेकंड होता है लेयरिंग और थर्ड होता है कटिंग लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। ये तीन पार्ट है, कटिंग लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग तीन पार्ट है। अब आइए तीनों पार्ट के बात में ये तो क्या तो चलिए वन बाय वन करके देखते हैं हमको। तो सबसे पहले देखते हैं अंडरग्राउंड रस्ते, किसका अंडरग्राउंड रस्ते और अंडरग्राउंड रस्ते में आपको आया होगा तो अंडरग्राउंड रस्ते में जैसे है आपका सकर है, रनर है, स्टोलर है, ठीक है? ये सब आपको पहले भी आ चुका है, सब मॉर्फोलॉजी की बात है, लेकिन फिर भी थोड़े मोड़े रिविजन के रूप में हम आपको यहाँ पर फिर से ये सारी चीजों को करके आगे बढ़ते हैं, ओके? तो चलिए तो अंडरग्राउंड रस्ते में तो जैसे सबसे पहले या ट्यूबर को ले लीजिए, ठीक है? ट्यूबर ये सब हम लोग उसमें देख रहे हैं। सबसे पहले ट्यूबर, ट्यूबर के बाद में राइटो या बल, ये सब अंडरग्राउंड में है। फर्स्ट में ट्यूबर, ट्यूबर का आप जानते हो कि नोड या आई होते हैं। इसका कॉमन एग्जांपल है पोटैटो, ट्यूबर का इसका एग्जांपल के रूप में और एग्जांपल कुछ वाले लिखे हैं क्योंकि सबसे ज्यादा एमसीक्यू का क्वेश्चन इसी एग्जांपल से ही रहता है, इससे इस एग्जांपल से ही रहेगा। अब क्या है तो ट्यूबर एग्जांपल में प्रोटेक्ट। अब इसमें क्या होता है कि इस अंडरग्राउंड स्पेन में आई या नोड होते हैं जो फूड को एक्युमुलेट करके रखता है। दिखेंगे वो अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड स्टेन है नो और आई which are swelling due to accumulation of food या due to reservation of food। उस पार्ट में फूड को रिजर्व कर लेता है and that I germinates new plants। अब देखो ये एक पोटैटो का पार्ट है और ये इसका आई रीजन है, यहां पर स्वेलिंग पार्ट होगा और यहीं से स्वेलिंग पार्ट को जब सॉइल में डालते हैं
तो यहां से नया प्लांट लेट डेवलप होगा। तो दिस इज द एंड ये पार्ट कहलाया ट्यूबर, इसी को कहते हैं हम लोग ट्यूबर। उसके बाद देखिए राइजोम, नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा राइजोम। राइजोम में क्या होता है, तो राइजोम को आप जानते हो कि जिंजर में बनाना में खास करके इसका एग्जांपल हमें देखने को मिलता है। तो याद रखेंगे बनाना जिंजर, अब इसमें क्या होता है, तो जो बर्ड्स होते हैं वो बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं इसमें या नॉट प्रेजेंट होते हैं, इस राइजोम का पार्ट है, और वहीं से नया प्लांट जो है वो डेवलप होता है। जिससे तो उस राइजोम वाले पार्ट से जो स्वेलन पार्ट है उसी से नया प्लांट जो है वह डेवलप कर जाएगा। राइजोम को बनाना के डेवलपमेंट यानी बनाना जो हम लोग प्लांट का एग्रीकल्चर करते हैं तो जनरली क्या करते हैं, जो प्लांट बनाना जहाँ पे एक प्लांट अगर आप लगाएंगे वहाँ पर बहुत सारे बनाना के प्लांट अपने आप आते जाएंगे, एक बनाना का प्लांट तो उसके फल से और भी आते जाएंगे। तो एक प्लांट जब तक मरता नहीं उससे नए प्लांट बहुत सारे निकल जाते हैं। तो कैसे, तो वो सिर्फ राइजोम के थ्रू, तो वो राइजोम वहां पर उसको डेवलपमेंट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो लिखेंगे बर्ड्स आर प्रेजेंट ऑन नोड फॉर फॉर्मेशन ऑफ फॉर formation of formation of aerial नहीं बर्ड्स आर प्रेजेंट ऑन नोड, नोड वाले पार्ट में प्रेजेंट होगा ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, तो रूट का फॉर्मेशन कराने के लिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूरियल सूट, नहीं सूट कहा, और फॉर्मेशन ऑफ न्यू एरियल सूट। अब इसका एग्जांपल ऊपर पहले दे दिया हूं बनाना और जिंजर, तो आप देखते होंगे जिंजर में कहते हैं कि मदर की तरफ फैलता, अब ये जब पार्ट जाएगा तो ये रीजन है, ये स्वेलन पार्ट है और यहीं से नया प्लांट जो है वो डेवलप कर जाता है। ये स्टेम है, प्लांट को डेवलप होना चाहिए था किसी रूट वाले रीजन से, यहाँ से डेवलप कर जाएगा। दिस इज द जिंजर। अब आइए बल्ब, तो बल्ब क्या है सर, तो यहाँ पर ये जिंजर में इस तरह से, तो ये जो पार्ट है यही राइजोम पार्ट है, यानी राइजोम जिस पार्ट से नया प्लांट आ रहा है और वहां पर बर्ड्स जो है वो नोड रीजन पे रहते हैं, तो ये राइजोम का पार्ट हो गया। नेक्स्ट हम लोगों को देखना है बल्ब, नेक्स्ट बल्ब। अब बल्ब में क्या है भाई, बल्ब का एग्जाम्पल कौन है, तो आपको पता होगा ऑनियन और गार्लिक, ऑनियन एंड गार्लिक ये दो पार्ट हैं, ओके ऑनियन एंड गार्लिक। इसमें क्या होता है, तो अनब्रांच एरियल रिड्यूस डिस्क शेप अनब्रांच एरियल रिड्यूस डिस्क शेप स्टेम आर
कवर्ड बाय फ्लेशी लीफ, जो कवर्ड जो रहता है किससे, फ्लेशी लीफ से, और उसी से तो ये अनब्रांच जो डिस्क है उसी से नया जो है वह प्लांट बन के आ जाता है। तो ये कवर्ड बाय फ्लेशी लीफ कॉल्ड बल्ब विच प्रोड्यूस न्यू प्लांट। अब ऑनियन एंड गार्लिक का जो मेन पार्ट आप खाते हो वो लीफ होता है, वो नहीं है, स्टेम और रूट पार्ट नहीं है। आप ऑनियन में भी देखेंगे कि नीचे में लास्ट में कुछ है तो वो रूट पार्ट हुआ, और ऑनियन के चारों तरफ से कट करेंगे तो बीच में एकदम पतला सा सूखा हुआ सा जो रहेगा वो होगा आपका स्टेम। उसी तरह गार्लिक में एकदम पतला सा एक छोटा सा होगा, उसके चारों तरफ जो पार्ट हम लोग निकाल के सब्जी वगैरह में यूज करते हैं डेट इज द लीफ पार्ट, उसी को फ्लैशी लीफ कहते हैं हम लोग। ओके, तो ये हो गया बल्ब। अब इसके बाद में सब एरियल स्टेम का देखें, ये अंडरग्राउंड स्टेम देखें, अब इसके बाद में सब एरियल स्टेम। नेक्स्ट सब एरियल स्टेम, सब एरियल स्टेम की अगर हम बात करें नेक्स्ट सब एरियल स्टेम में क्या है, तो सब एरियल स्टेम का मतलब इसमें हम लोगों को देखना है, जैसे सबसे पहले देखिए एक देखते हैं हम लोग ऑफसेट। रनर्स अगर स्टोलन तो सभी लोग जानते ही होंगे, ऑफसेट का मतलब होता है दिस इज द एक्वेटिक रनर, यानी कि जो रूट है वह सरफेस पे फ्लोट करके आगे की ओर बढ़ेगा और नए प्लांट के रूप में डेवलप करेगा। तो यानी कि इसीलिए इसको कहते हैं इट इज एक्वेटिक रनर। एग्जाम्पल इकॉर्निया, इकॉर्निया को हम लोग कहते हैं वाटर हायसिंथ। दूसरा एग्जाम्पल है पिस्टिया, इकॉर्निया और दूसरा पिस्टिया। अब इकॉर्निया जो है उसको कहते हैं हम लोग टेरर ऑफ बंगाल, यानी कि वाटर हायसिंथ, एच वाई ए सी वाई एन टी एच, वाटर हायसिंथ इज ऑल्सो नोन एज टेरर ऑफ बंगाल। वाटर हायसिंथ इज ऑल्सो नोन एज टेरर ऑफ बंगाल। क्यों ऐसा, इसको वाटर हायसिंथ हो या इकॉर्निया को क्यों, इकॉर्निया में खूबसूरत छोटे फूल भी आते हैं, यह एक एक्वेटिक प्लांट है दोनों, ठीक है। और यहाँ पे इसलिए लिखा है इट इज एक्वेटिक रनर, यानी कहाँ होता है ये, अकर्स इन एक्वेटिक प्लांट। किसमें मिलता है हमें ये देखने को, तो ये एक्वेटिक प्लांट में देखने को मिलता है। अब वाटर हायसिंथ को हम लोग टेरर ऑफ बंगाल क्यों कहते हैं, क्योंकि बंगाल में छोटे छोटे पॉन्ड बहुत ज्यादा होते हैं, छोटे छोटे तालाब बहुत ज्यादा है मछली पालन करने के लिए, लोग मछली के बहुत शौकीन होते हैं बंगाली लोग। अब वहां पे क्या होता है कि जब रेनी सीजन आते हैं तो किसी रिवर से या फ्लड के वजह से ये हायसिंथ उस पॉन्ड में चला जाता है और ये बहुत तेजी से ग्रोथ करता है। अब क्या होता है कि विद इन द 1 to 2 month वाटर के यानी पॉन्ड के ऊपर के सारे सरफेस में ये फैल जाता है और पूरा लेयर भर देता है। अब एक्वेटिक जो एनिमल्स है फिश वगैरह उनको ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है जिसकी वजह से वो मरने लगते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं टेरर ऑफ बंगाल। तो इट ग्रो वेरी फास्ट ऑन
water surface and it consume maximum oxygen of pond, due to which aquatic animals fish may die, जिसकी वजह से aquatic animal या fish वगैरह जो है वो मरने लगती है, और इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग टेरर ऑफ बंगाल। तो ये हो गया हमारा क्या है, तो ये हो गया ऑफसेट। ओके, उसके बाद में देखिए सकर। सकर में क्या होता है कि रनर, सकर, अस्टोलेन, ये सब जो पार्ट हैं, तो इसमें क्या होता है कि देखो यहां पर यह एक प्लांट है और इस प्लांट का ये सॉयल सरफेस है। ओके, ये क्या है, ये सॉयल सरफेस है। इस सॉयल सरफेस के पार्ट पे और ये एक ब्रांच यहां से निकला अंडरग्राउंड, यानी सॉयल के अंदर से एक ब्रांच निकलेगा और ये न्यू प्लांट के रूप में यहां से डेवलप कर लेगा। ओके, ये हो जाता है, इसी को कहते हैं हम लोग सकर। ये क्या हो गया है, तो ये सकर का एग्जांपल। ये सकर में इस तरह से होता है। कहां देखने को मिलता है, तो ये पाइनएप्पल में, क्राइसेंथेमम में, ठीक है। तो इसको अराइजेज बाई एक्जिलरी बर्ड ऑफ अराइजेज बाई एक्जुलरी बर्ड्स ऑफ अराइजेज बाई एक्जुलरी बर्ड्स ऑफ अंडर ग्राउंड स्टीम, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल तो पाइनएप्पल, क्राइसेंथेमम, पाइनएप्पल एंड क्राइसेंथेमम। उसके बाद में आइए रनर। रनर क्या होता है, ये ग्रास में हमें देखने को मिलता है, दूब ग्रास में खास करके, तो ये ग्रास में। और क्या होता है, ये समझ लीजिए बेटा कि ये सॉयल सरफेस है, ये सॉयल का सरफेस है और यहां पर ये दूब ग्रास है, ठीक। और इसका एक ब्रांच इस सरफेस पे है, यहां से सॉइल के कांटेक्ट में रहते भर में ये नया दूब ग्रास को निकाल दिया, फिर यहां से ये और आगे की ओर बढ़ेगा, फिर से यहां पे ये नए दूब ग्रास को निकाल दिया। इसीलिए जब देखोगे कि ग्रास के किसी एक पार्ट को अगर आप उखाड़ोगे तो उसके साथ साथ आगे वाले भी दूब ग्रास जो है वो उखड़ने लगते हैं। ओके, तो ये ग्रास में हमें देखने को मिलता है। तो ब्रांच विच आर ऑन द सरफेस ऑफ सॉइल जनरेट न्यू प्लांट इंडिविजुअल, न्यू प्लांट इंडिविजुअल, उसी को कहते हैं। ओके, तो रनर का एग्जांपल ये हो गया, एस्टोलेन भी आप जानते ही होंगे, ठीक। उसके बाद में आइए बल्बिल।
चलो एस्टोलेन भी बता देता हूं। एस्टोलेन में क्या अंतर है? एस्टोलेन, एस्टोलेन में बस डायग्राम दे देता हूं, समझ लोगे आसानी से उससे। एस्टोलेन मिंट में देखने को मिलता है, ठीक। अब ये प्लांट हुआ और इस प्लांट के ऊपर वाले रीजन से कोई ब्रांच आएगा सॉयल के कांटेक्ट में, न्यू प्लांट को डेवलप करा देगा। डहलिया प्लांट ये सब में हमें देखने को मिलता है और फिर से यहां से ये कांटेक्ट में आ गया, रूट डेवलप कर देगा और नए प्लांट के रूप में ये डेवलप हो गया। तो दिस इज द एस्टोलेन। नेक्स्ट आइए बल्बिल। बल्बिल में जो लार्ज साइज का फ्लेसी बर्ड है लार्ज सेल साइज फ्लेसी बल्ब, लार्ज साइज फ्लेसी विच आर, हाँ लार्ज साइज फ्लेसी बर्ड्स, बर्ड्स विच आर स्पेशलाइज फॉर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, लाइज फॉर वेजिटेटिव स्पेशलाइज फॉर बर्ड्स विच आर स्पेशलाइज फॉर विच आर स्पेशलाइज फॉर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कॉल्ड बल्बिल्स। तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग? बल्बिल्स कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल जो है वो ऑक्सियलिस है, एगेब है, डेस्कोरिया है, लिली है, लिली है, डेस्कोरिया। तो ये सब प्लांट जो है वो है। अब आइए लीफ से। तो ये स्टेम के पार्ट से हो गया, अब आइए लीफ से। यानी लीव्स का जो पार्ट है, बोगनवेलिया वगैरह ये सब आराम से हमें देखने को मिलता है, ठीक है, यानी बिगोनिया प्लांट में। लीव्स ऑफ सम प्लांट हैव Adventitious birds develop into new plants. जैसे तो जो adventitious birds हैं plant के leaves में, वो डेवलप करके क्या बना देते हैं? न्यू प्लांट को डेवलप कर देते हैं। और ये बिगोनिया में, डायटेंटम में एंड कैलकोई में देखने को मिलता है। डायटेंटम कैलकोई, डायटेंटम, हाँ डी आई एडियंटम, हाँ एडियंटम, कलाकोई के आई ए एन टी यू एडियंटम एंड कलाकोई, ये प्लांट हो गए। अब आइए रूट। तो रूट में भी कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं
जो क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर कुछ प्लांट के लीफ में एडवेंटिशियस बर्ड है, तो उसी तरह कुछ प्लांट के रूट में एडवेंटिशियस बर्ड है जो न्यू प्लांट को डेवलप करते हैं। सम प्लांट रूट हैव, सम प्लांट रूट हैव एडवेंटिशियस बर्ड्स, एडवेंटिशियस बर्ड्स विच आर some plant roots have adventitious buds which are developed into new plant example में। तब इसका example जो है वो, तो इसमें डहलिया plant जो है वो लेके चलते हैं हम लोग, डहलिया। तो ये रूट तक का पार्ट हो गया, तो रूट स्टेम लीव्स ये पूरा हो गए। अब इसके बाद में हम लोगों को देखना है आर्टिफिशियल मेथड, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स का। तो आर्टिफिशियल मेथड को करके उसके बाद हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आएंगे, इसी का आर्टिफिशियल। ये नेचुरल मेथड हो गया, और आर्टिफिशियल मेथड हम लोग करेंगे कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। ओके, थैंक यू।